उन्हें कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते नहीं। आपने कल खुद कहा था कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं, वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल, कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ? हम तो यही कहते हैं कि उनको सम्मान मिले, हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं 100 विधायक वहां से ले आए वापस इधर। आपने सर कल कहा था कि जहां आप जाते हैं वहां से आप जो सारस है वो ले गए और वन विभाग ले गया, आज आप यहां पे आए हैं तो क्या इन कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ हो सकता है सर? देखिए सारस हमारी स्टेट बर्ड है जी, हमें सबके को मिलकर के आरिफ को बधाई देनी चाहिए थी और सरकार को उसको धन्यवाद देना चाहिए था कि जिसने एक घायल सारस की सेवा की, उसका इलाज किया और उसको जिंदा बचा लिया। अब ये अलग बात है कि वो मित्रता हो गई, अगर मित्रता हो जाएगी तो उसको साथ रहना है उसके। आखिरकार सरकार ने क्यों छीना? ऐसे तो बहुत सारे लोग दाना खिलाते हैं, कभी बिस्किट खिलाते हैं, क्या सरकार उनको छीन लेगी? और हमने आपने टीवी में देखी होंगी तस्वीर वीडियो कि मोर को भी खिलाया गया था, क्या ये वन विभाग के लोग मोर को पकड़ने गए थे क्या? हमारे आपके घरों में गांव में मोर आ जाते हैं तो क्या उन सब पक्षियों को पकड़ लोगे आप? ये कहाँ का कानून है? उसने पकड़ा नहीं था, वो सेवा कर रहा था और अपने खेत में खुला छोड़ा हुआ था। अगर कहीं भी कैद किसी ने बताया हो तो बताइए। नेताजी साहब रोडवेज बस की वीडियो वायरल हो रही है, रोडवेज बस की वीडियो वायरल हो रही है कि ड्राइवर जो है इतनी जिंदगी लेके जा रहा है, गियर इतना तेज आ रहा है, उस पर क्या कहना आपका? यहाँ ही टक्कर हुई थी एक गाड़ी की अभी दूसरी, पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा में। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समय समय पे ट्रेनिंग दें और समय समय पे उनको जानकारी और जागरूक करें। पिछले बार आप आए थे।